देखे दोस्तों भैया क्या लेके आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं इस ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करने वाला हूं और आप देख रहे होंगे चार तरफ घास है। इस रास्ते से मैं निकल के आया हूं, इस रास्ते जाने वाला हूं जहां मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। चलो चलते हैं, आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू करेंगे। रास्ता बहुत ख़तरनाक है, देख लो रास्ता नज़र नहीं आ रहा मेरे को इसमें। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये है मक्की खेती, अभी इस पर मक्की आना शुरू हुआ है, कच्ची कच्ची है, कुछ नज़र आ रहा है आपको। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है कीवी का बगीचा। शायद इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था मेरे को, मैंने सोचा कि शॉर्ट रास्ते जाता हूँ मैं। पहले मैं इस रास्ते से आया था गर्मी के मौसम में, तो रास्ता यहाँ पर ठीक था। देखो यहाँ पानी की आवाज़ आ रही है। अब मैं थोड़ी सी अच्छी जगह पर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर रास्ता थोड़ा ठीक है। ये सभी सेब के पौधे हैं, ये इस पर शिमला मिर्च आ रही है ना, सुबह से बारिश हो रही थी यहाँ पर। इसके पीछे टमाटर भी आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है नर्सरी, इसमें सभी प्रकार के पौधे हैं। आज देखो हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ आंटी मिल गई देखो, और ये मैम घास लेके आई हैं, और अंकल जी कहाँ हैं? अंकल जी ड्यूटी पे। ड्यूटी? गाय बांध रहे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। टमाटर आ रहे हैं अंकल जी के, टमाटर। और अंकल जी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं शायद 3-4 महीने बाद आया हूँ। आप बरसात में गुम हो गए। अच्छा, फीड में थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है इसमें। हाँ, थोड़ी नमी आ जाती ना। इनको तो मैंने देखा नहीं, इनको तो जानता हूँ मैं, राहुल भाई। वीडियो तो बनाएंगे पर कपड़े हमारे बुरे हाल है इसमें। कोई बात नहीं, किसानों के कपड़े ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर भाई अपने टमाटरों की सेटिंग कर रहे हैं जी। सेटिंग चली है। सेटिंग चली टमाटरों की। ये देखिए टमाटर, अरे वाह टमाटर क्या प्यारे प्यारे आ रहे हैं। क्या नाम रख रखा है आपने इसका? और कैसे हो खुशी? और भाई आपका नाम भूल गया, क्या नाम बताया आपने? रोहित। रोहित, उनका नाम राहुल है ना? हाँ जी। उनसे बड़े का नाम क्या? सनी। ये अच्छा किया आपने, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। हाँ थोड़ा। हाँ ये अच्छा। टमाटर टमाटर का रंग चढ़ जाता है ना हाथों पर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अंकल जी मैं कितने महीने बाद आया हूँ? आप? हाँ जी। तो बस तभी आए थे जब नीचे देखा था मैंने, दो नीचे जब गाय बांधी थी। सही कहा आपने, उस टाइम 2-3 महीने तो हो गए होंगे। ज़्यादा ज़्यादा हो गए? ज़्यादा हो गए, 4-5 महीने हो गए। 4-5? हाँ चार हो गए। चार हो गए, चार हो गए। आप चार भाई हो ना अंकल जी? नहीं जी, हम हैं सात भाई। सात बहन भी हैं? बहन है पर अब नहीं रहे। अच्छा, बहन की शादी हो गई थी ना। हाँ जी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तब उसके साथ हम आठ। आठ तो आठ, तीन भाई। तीन इधर है, चार उधर है। चार पर है, तीन इधर। हाँ अब हम छह रह गए, एक भाई की डेथ हो गई। कौन से वाले भाई की? परे थे वो वहाँ पे जो पानी नहीं, जो पानी है ना, बावड़ी है। हाँ बावड़ी के साथ जो, अरे नीचे को मकान जो क्या नाम है, देवेंद्र। देवेंद्र? हाँ। उनके पापा? हाँ। नहीं नहीं नहीं, उनके पापा नहीं, उनके चाचू, उनके साथ जो है जो मकान, उनके नीचे जो घर है। हाँ उनके साथ बिल्कुल बगल में, बिल्कुल उनके पापा तो ठीक है, वो तो सबसे बड़े है। सबसे बड़े हैं। हाँ वो तो मेरे को 84 साल के है। उनका मैंने फेसबुक पर फोटो देखा था। हाँ और उसने डाला था, बहू ने बंदूक लेके, बहू ने डाला। हाँ जी लेके, हाँ बंदूक लेके था, एक फोटो फेसबुक पर देखा था ना। वो आपकी जैसे दिख रहे थे। हाँ मिलते है ना। अच्छा गन के साथ है। गन के साथ था फोटो। हाँ हिमाचली कैप लगा के। अच्छा आपको नहीं देखा मैं लगाते हुए कभी कैप? ना मैं नहीं लगाता जिंदगी में, कभी लगाई नहीं जिंदगी में। लगाई? लगाई नहीं कभी नहीं। पहले मैंने खरीद ली थी एक, ऐसे कोई शौक था नहीं ना इसका। तो आपके तो पहले से बाल अच्छे होंगे उस समय पर? हाँ पहले अच्छे, तो बाद में दिखा था हमने पहले तो था। अच्छा उसमें अलग से लग भी जाता है ना। हाँ मजा नहीं है, डुप्लीकेट में मजा नहीं है। तो कुदरत ने दिए अच्छी है, उसको हम पाउडर से उसे करेंगे। तो दोस्तों अंकल बता रहे हैं कि अपने बाल सफेद जो हैं, सफेद रहने, रहने दो। हाँ काले नहीं करने चाहिए। नहीं जो आपकी एज है वो तो एज ही वही रहनी है।